ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या सबको पता है टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लासिफिकेशन। हम लोग ने स्टडी वर्ड रखा था गोल्डन रूल, आज हम लोग को और अच्छे से एलिब्रेट करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात करें, हम लोग पढ़े थे दो तरह का क्लासिफिकेशन, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है, तीन तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, ओके, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था अगर कोई भी अकाउंट किसी रिलेटेड होगा पर्सन से, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, वो सब क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब एसेट अकाउंट, अगर कोई भी अकाउंट रिलेटेड है किससे, एसेट से रिलेटेड है, जस्ट लाइक बिल्डिंग मशीनरी, कैश, गुडविल, पेटेंट, ये सब से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब कोई भी अकाउंट जो रिलेटेड हो किससे, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन से, जस्ट लाइक रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ये हम लोग ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, और फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर हम लोग बात करें, इन अकाउंटिंग डेबिट रेफर्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट एंड द क्रेडिट रेफर्स द राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट, है ना। नॉर्मली एसेट एक्सपेंस एंड लॉसेस, यहाँ पे देखो खासकर बोल रहा है एसेट एक्सपेंस एंड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल्स, है ना, अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे ये भी देखो समझा दिया है, इसके बारे में हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन से कल पढ़े थे हम लोग। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है ये भी हम लोग ने, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल रूल, या फिर कहते हैं हम लोग इसको गोल्डन रूल। तो दीज आर द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या देखो है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ओके। रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, क्लियर। नॉर्मल अकाउंट इज व्हाट, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम लोग ने क्या पढ़ा था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन यहाँ से पढ़ लेते हैं, ओके। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि देर आर फाइव टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट, एक्सपेंस, इनकम। इसको याद करने का देखो, याद क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। आप सभी को पता है साल के अंत में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक्सपेंस इनकम दिखाते हैं, तो एक्सपेंस इनकम अकाउंट हो गया, और बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी, कैपिटल, एसेट दिखाते हैं मेनली, तो लायबिलिटी, एसेट अकाउंट और कैपिटल एक। अब हम लोग देखेंगे इनके भी रूल्स दे रखे थे डेबिट एंड क्रेडिट के, मैंने मॉडर्न रूल्स में पढ़ाया था, ये मेरे को ज्यादा सही लगता है बिकॉज यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, और यहाँ पे एक ही चीज हमें देखना है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ओके। और कैपिटल देखो, यहाँ पे कैपिटल लायबिलिटी की बात करें, ये दोनों ही अगर क्रेडिट हो रही है तो दैट मीन्स अगर कभी भी कैपिटल एंड लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरे ऊपर क्रेडिट चढ़ रहा है तो हम लोग उसे क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब है बढ़ रहा है, और अगर डेबिट करेंगे इन दोनों को ये तो क्या होगा, घटेगा। एसेट एक्सपेंस का नेचर एक जैसा होता है, अगर एसेट बढ़ रहा है या खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट करिए, अगर खर्चे घट रहे हैं तो क्रेडिट करिए। हम लोग को पता है अगर डेबिट से बढ़ेगा तो क्रेडिट से कम होगा, क्रेडिट से बढ़ेगा तो डेबिट से कम होगा, इनकम क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से घटता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अभी भी ऊपर हम लोगों ने थ्योरी में अभी भी क्या पढ़ा था, यहाँ पे थ्योरी में देखो, यहाँ पे एक चीज बात समझाया था कि एसेट एक्सपेंस एंड लॉस हैव डेबिट बैलेंस, और अगर आप ध्यान से देखेंगे एसेट और एक्सपेंस डेबिट करते हो तो बढ़ता है, इसीलिए वो डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का देखोगे क्रेडिट से बढ़ता है, इसीलिए उसका देखो क्या लिखा होगा, क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल हैव क्रेडिट बैलेंस, यानी यहाँ पे पॉजिटिवनेस की बात हो रही है। जब चीजें बढ़ रही हैं, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम कब बढ़ती है, जब हम इन्हें क्रेडिट करते हैं, और एसेट, एक्सपेंस, लॉस कब बढ़ते हैं, जब हम उसे डेबिट करते हैं, ओके। और कम करने के लिए जस्ट रिवर्स कर दो, रिवर्स का मतलब सब लोग समझते हो। आज हम लोग को इसी गोल्डन रूल को हाउ टू अप्लाई ये हमें सीखना है, ठीक है ना, हाउ टू अप्लाई, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं गोल्डन रूल को जनरल एंट्री में। तो आज हम लोग को बेसिकली ये समझना है, और एक और चीज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो क्या चीज होता है कि मॉडर्न रूल को भी किस तरीके से हम इम्प्लीकेट करते, हो सकता है मॉडर्न रूल के लिए टाइम ना बचे लेकिन गोल्डन रूल को कैसे अप्लाई करना है ये तो हम लोग को आज समझना है, ठीक है ना। हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल, ओके, हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल ड्यूरिंग जर्नल एंट्री,
अब कई लोग ये सोच रहे होंगे जर्नल एंट्री क्या होती है। जर्नल एंट्री ध्यान रहे, सबसे पहला जो हम ट्रांजेक्शन को सबसे फर्स्ट बुक में जो रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जर्नल। हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था रिकॉर्डिंग के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, कॉपी में होता है, जिस कॉपी में करते उसको जर्नल कहते हैं। ओके, तो डेली के ट्रांजेक्शन हम लोग नोट करते हैं, और आप सभी को पता है ट्रांजेक्शन हम जब नोट करते हैं तो वहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि कोई ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें दो लोग इफेक्ट, मतलब दो इफेक्ट तो आने आने, एक को हमें डेबिट करना है, एक को हमें क्रेडिट करना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स। तो हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल इसको जरा समझिएगा। बिफोर फाइंडिंग, हमारा टारगेट है डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट करना। बिफोर फाइंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट, ओके, तो डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट करने के लिए हमने को गोल्डन रूल हमारी हेल्प करेगा। लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट करने से पहले, बिफोर फाइंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट, वी हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन आवर माइंड। सर जो आप टाइप कर रहे हैं वो शो नहीं हो रहा है। शो नहीं हो रहा है? नो सॉरी, अब दिख रहा है? हाँ यस सर। ओके, सो हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल ड्यूरिंग द जनरल एंट्री, हमको समझना था। जैसा कि मैं बोल रहा था, बिफोर फाइंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट वी हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन आवर माइंड। जब भी हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना, तो कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने होंगे, तभी हम डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट करेंगे या फिर कह लो जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो विन बिजनेस और बिजनेसमैन का नाम हम कभी भी बुक्स के अंदर नहीं नोट करेंगे। दैट मीन्स वी नेवर यूज द नेम ऑफ बिजनेस एंड बिजनेसमैन विद इन द बुक। ओके, ये चीज आपको एकदम ध्यान रखना है। अगर सपोज करिए मैं टाटा कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो जब भी मैं कभी भी रिकॉर्डिंग करूंगा, अकाउंटिंग करूंगा, तो कभी भी टाटा कंपनी का बुक के अंदर नाम नहीं, डेबिट क्रेडिट के समय में हमें टाटा कंपनी का नाम यूज नहीं कर सकता। मैं टाटा कंपनी को कभी डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकता। अब अगर सपोज करो टाटा कंपनी के ओनर है रतन टाटा, तो रतन टाटा जी का भी नाम हमें यूज नहीं करना है बिजनेस के अंदर। क्यों नहीं यूज करना है? ध्यान रखना, उनकी जगह पे क्या यूज होता है, उनकी जगह पे, ओनर की जगह पे हम एक शब्द का प्रयोग करते, दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक ड्रॉइंग होता है, कैपिटल होता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था जब बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो वो उस समय हम लोग बिजनेसमैन का नाम नहीं लिख करके क्या यूज करते हैं, कैपिटल शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ बिजनेस निकालता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग और कैपिटल हमने पढ़ा था, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ड्रॉइंग और कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है। तो ध्यान रहे बिजनेसमैन की जगह पे हम लोग ड्रॉइंग कैपिटल, और बिजनेस की जगह पे, बिजनेस का तो नाम ही नहीं यूज करना है पहली चीज। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आपको एक पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो है क्या, ओनली गुड्स परचेज। ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ गुड्स परचेज, ओनली गुड्स परचेज इज कॉल्ड परचेज अकाउंट। ध्यान रखना यहाँ पे परचेज अकाउंट एक नाम है, जैसे तुम्हारा नाम है ठीक है ना समीक्षा, या फिर सपोज करो रवीना, तो जिस तरीके से आप लोग का नाम है ना, उसी तरीके से यहाँ पे परचेज अकाउंट भी एक नाम है, जो सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स परचेज को दिया गया है। सर गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब बहुत सिंपल सा है, अ प्रोडक्ट विच वी परचेज फॉर सेल। कोई भी प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं किसके लिए, बेचने के लिए, बेचने के पर्पज से अगर मैं कुछ भी खरीद रहा हूँ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ठीक है ना, मेरी कंप्यूटर शॉप है, मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ किसके लिए, बेचने के लिए, तो वो गुड्स है। अगर मैंने 10 कंप्यूटर खरीदे, 8 कंप्यूटर बेचने के लिए मैंने खरीदा, 2 कंप्यूटर मैंने अपने पर्सनली मतलब ऑफिस में यूज करने के लिए जिससे बिलिंग विलिंग करूंगा, तो ध्यान रखिएगा जो 8 कंप्यूटर जो खरीदा ना वो मेरी गुड्स है, और जो 2 कंप्यूटर मैंने ऑफिस में यूज करने के लिए अपने लिए खरीद रखा है वो क्या है, वो मेरे लिए एसेट है। बात समझे, क्योंकि वो बिजनेस में रहेगी, उसको बेचना नहीं है मुझे, क्लियर। तो इसलिए गुड्स परचेज जब हम लोग करते हैं उसी के लिए हम लोग परचेज अकाउंट शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी 8 कंप्यूटर के लिए हम परचेज अकाउंट का यूज करेंगे और 2 कंप्यूटर के लिए हम कंप्यूटर अकाउंट ही हम खोलेंगे, क्योंकि एसेट को उसके नाम से ही हम लोग डिन्यूट करते हैं।
ठीक है, तो ओनली गुड्स परचेज इज कॉल्ड परचेज अकाउंट। और एक और चीज आपको पता होना चाहिए, एंड इट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ध्यान रहे। और अगर एक्सपेंस है तो आप लोग बता सकते हो ये पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा, डेफिनेटली ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्लियर। थर्ड नंबर एक और चीज ध्यान रखना, सेम इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं ओनली गुड्स सोल्ड, जो हम लोग गुड्स बेचते हैं इज कॉल्ड सेल्स अकाउंट, उसी को हम लोग सेल्स अकाउंट नाम देंगे। ओनली गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड सेल्स अकाउंट एंड इट इज इनकम फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट कुछ क्वेश्चन है तो किसी को कुछ पूछ लीजिए। यहाँ पे परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट दो अकाउंट हम लोग खोलेंगे। परचेज अकाउंट का मतलब, परचेज अकाउंट कब ओपन करिएगा? जब हम लोग गुड्स परचेज कर रहे होंगे। और सेल्स अकाउंट कब खुलेगा? जब हम लोग गुड्स सेल कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास हमारा कोई पुराना एसेट है, हमारी पुरानी मशीन, हम उसको बेच रहे हैं, उसके लिए हम सेल अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ध्यान रहे, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना है, वो क्या होता है कि जब हम लोग जर्नल एंट्री कर, जब हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे जिसमें एक अकाउंट नहीं काम कर रहा होगा, मोर देन वन अकाउंट काम कर रहे होंगे। नहीं समझ में आया? दैट मीन्स हो सकता है उसमें पता चले क्या, उसमें आपका पर्सनल अकाउंट भी है, रियल अकाउंट भी है ना, या फिर हो सकता है पर्सनल भी, नॉर्मल तीनों हो। तो जितने भी अकाउंट्स उसमें अफेक्टेड होंगे, उन सभी अकाउंट अफेक्टेड अकाउंटिंग के रूल्स को हमें फॉलो करने होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, मेनी ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू मोर देन वन अकाउंट। बात समझे कि नहीं समझे? तो मेनी ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू मोर देन वन अकाउंट at that time we follow all that accounting rules। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? भाई देखो yes, अगर सेंटेंस में कुछ इश्यू होगा ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो प्लीज मुझे माफ करना, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो ध्यान रखना फिलहाल भावनाओं को समझो। मेनी ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस जो रिलेटेड होंगे क्या, मोर देन वन अकाउंट, एक से अधिक अकाउंट से रिलेटेड मिल सकते हैं, पर्सनल अकाउंट भी होगा, रियल अकाउंट भी होगा। तो ऐसे टाइम पे तुम्हें करना क्या है? एट दैट टाइम वी फॉलो ऑल दैट अकाउंटिंग रूल्स, मतलब हमें उन सारे अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी चौथे पॉइंट का मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दे रहा हूँ। अब उस एग्जाम्पल को मैं तीन एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, और तीन एग्जाम्पल अगर आपने अगर ढंग से समझ लिया, आपको जर्नल एंट्री आ गई, बात समझे, आपको डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट करने आ जाएगा। तो बस इस तीन एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, ठीक। और अगर कोई डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जस्ट लाइक मान लेते हैं ओके, रुपीज 40,000 कैश गिवन टू राज। तो हमने राज को क्या किया है, हमने 40,000 रुपए कैश दिया है। तो पहला नंबर जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, हमारी कंपनी ने किया है, यानी हमने तो किया नहीं, हमारी कंपनी ने किया, मैं तो कंपनी में एज एन अकाउंटेंट हूँ, है ना। लेकिन हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम अपने आप को मानेंगे कि ये ट्रांजेक्शन मैंने किया है, तभी आप अकाउंटिंग, यानी कि आप कंपनी बन जाओ, ओके। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होगा। तो रुपीज 40,000 कैश गिवन टू राज, यानी कि हमने कैश दिया है किसको, राज को। अब जरा देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम होगा, याद होगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ाया था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ओके। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट है, बताइए कौन कौन सा अकाउंट है। पर्सनल रियल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है, बिल्कुल सही। तो कैश क्या हो गया आपका, कैश को हम लोग बोलेंगे रियल अकाउंट, और राज जो कि पर्सन है, ये पर्सनल अकाउंट, यानी दो अकाउंट काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो अकाउंट काम कर रहा है, सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, मैं पर्सनल अकाउंट को पी से डिन्यूट कर रहा हूँ।
तो पर्सनल अकाउंट का रूल सब लोग को पता है, रिसीवर क्या होता है, रिसीवर को हम लोग करते हैं डेबिट, डेबिट ठीक है ना, रिसीवर को हम लोग डेबिट करेंगे और गिवर को हम लोग क्या करेंगे, गिवर को हम लोग करेंगे क्रेडिट। क्लियर? तो ये चीज सब लोग को ध्यान है। अब बताइए रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, कम्स इन क्या होगा, कम्स इन डेबिट, कम्स इन डेबिट, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, गोज आउट क्रेडिट। चलिए इस तरह से रूल्स अपने, देखो ये चीज जो मैं कर रहा हूं मैं सामने आप लोग के, ये चीज हमें अपने ब्रेन में करना होता है। तो अभी हम लोग का ब्रेन उतना तेज नहीं है, अभी हम फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग अगर पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रखे हो तो ब्रेन में कर लेंगे, तो नहीं अभी अभी अकाउंट पढ़ रहे हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें अपना क्या नाम है कहीं कॉपी पेन में ही यूज करना पड़ेगा। अब इन सबके आगे तुम्हें क्या करना है, सबके आगे तुम्हें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क देखो मैं क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी एक मायने। अब तुम पूछो खुद से कि जब हमने 40,000 रुपए कैश दिया राज को, तो रिसीवर कौन है, हु इज रिसीवर, आंसर क्या मिलेगा, राज, पक्का? तो यहाँ पे हमें डेबिट मिल गया, हमारा डेबिट कि राज को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। अच्छा गिवर कौन है, गिवर हम खुद है, तो हम मतलब बिजनेसमैन या बिजनेस, तो हम अपना नाम तो अपने बुक्स में लिखेंगे नहीं, तो बात समझे, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तो कैंसिल, ठीक। अब आगे बढ़ते हम लोग क्या, कम्स इन, जब हम लोग कैश दे रहे हैं राज को 40,000 रुपए, तो कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं, कैंसिल, गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्लियर, कैश जा रहा है, बिल्कुल। तो फाइनली देखो कैश आपको क्या मिल गया, क्रेडिट मिल गया। इस तरीके से हमने डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे दो अकाउंट वर्कआउट किया, दोनों अकाउंट के रूल्स को हमने फॉलो किया, लेकिन फाइनली हमें एक डेबिट और एक क्रेडिट मिला। इज दैट क्लियर? सो एंट्री क्या होगी, एंट्री हम लोग जब करते हैं, रिकॉर्डिंग जब हम लोग करते हैं, तो पहले हम डेबिट वाली चीज लिखते हैं, फिर हम क्रेडिट वाली चीज लिखते हैं। तो राज क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ यही लिख देते हैं हम लोग, राज डेबिट कितने से, 40,000। तो राज को 40,000 मिल रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश, कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया कितने से, 40,000। क्लियर? तो ये फाइनल आपकी एंट्री बन गई, राज डेबिट कैश। अच्छा कैश के आगे हम लोग एक शब्द यूज कर सकते हैं, अकाउंट, ठीक है। तो राज अकाउंट डेबिट, राज सॉरी पर्सनल नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते, खासकर नेचुरल पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लगाते, ठीक है। तो इसलिए राज डेबिट लिख दिया, टू कैश अकाउंट यानी क्रेडिट में हो गया, कैश अकाउंट 40,000। तो ये आपकी एंट्री थी, तो फर्स्ट एंट्री सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यस सर। अब अगला क्वेश्चन, फर्नीचर परचेज, ठीक है ना, ओके। सो वी आर परचेजिंग फर्नीचर इन कैश, तो नगद में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एग्जैक्टली फर्नीचर खरीद रहे हैं। अब जरा समझिएगा, अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, अब बताइए यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट काम कर रहे हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ओके। अब जरा देखिए यहाँ पे कैश इज अ रियल अकाउंट, अब नॉमिनल अकाउंट हम लोगों ने क्यों बोला, क्योंकि फर्नीचर परचेज है, तो हमने लग रहा है गुड्स है, बट जब तक एक्सप्लेन ना हो कि इस चीज का इनका बिजनेस होता है, तब तक हम उसे हम गुड्स नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम लोग एसेट ही ट्रीट करेंगे, ठीक है समीक्षा, ओके सर। जब यहाँ पे गुड्स लिखा, अगर यहाँ लिख दिया होता गुड्स परचेज, तब वो नॉमिनल अकाउंट था, बिल्कुल है ना, बट सर हम परचेज के लिए नॉमिनल बोले। हाँ तुम परचेज के लिए नॉमिनल बोले, और याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था,
ओनली गुड्स परचेज इज कॉल्ड परचेज अकाउंट. ओके, तो यहाँ गुड्स नहीं लिखा है तो आप मत परचेज. परचेज यहाँ पे मतलब सिंपल सा खरीदना हो जाएगा. ठीक है, तो अब चलते हैं देखते हैं. यहाँ पे रियल अकाउंट ही है, एक ही अकाउंट है तो एक ही अकाउंट का रूल लगेगा. तो हम लोग सिर्फ ये वाला रूल कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं पहले. तो रियल अकाउंट का जो रूल है, कम्स इन डेबिट है और गोज आउट क्रेडिट है. अब आप लोग बता दो कि जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है. फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है. ठीक है ना, बहुत सिंपल सा. देखो फाइनली तुम्हें फिर डेबिट क्रेडिट मिल गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, अच्छा जो लोग पढ़े होंगे ना उन लोग को बड़ा ही बच्चों वाला चीज लग रहा होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम, मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना उसको थोड़ा दिक्कत होता है. $12,000 तो बहुत सिंपल सा. देखो रूल एप्लीकेशन, हम रूल अप्लाई हम लोगों ने कर लिया. फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश गया. और बाकी आप लोग अगर मॉडर्न रूल लगाओगे तो मॉडर्न रूल में याद होगा पढ़ा था हम लोगों ने, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करो, घट रही है तो क्रेडिट करो. तो यहाँ पे एक एसेट बढ़ रही है, फर्नीचर अकाउंट बढ़ रहा है और कैश अकाउंट घट रहा है, तो उसे क्रेडिट किया. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल जो हम लोग आज स्टडी करेंगे वो क्या है, वो भी बहुत सिंपल सा है. अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज काम करेंगे, हम उनको सैलरी पेड करेंगे. सैलरी पेड ₹60,000, तो ₹60,000 हम लोग सैलरी दे रहे हैं. ओके, अब बताइए जल्दी से कौन कौन सा अकाउंट इसमें काम कर रहा है. सैलरी, नॉमिनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट. बिल्कुल सही. अच्छा एक चीज बताओ समीक्षा, कहीं कैश लिखा तो है नहीं? बट सैलरी तो कैश ही में ना देते हैं. बिल्कुल सही. दूसरा नंबर, यहाँ पेड शब्द का प्रयोग किया गया. पेड मतलब ही क्या है? पेड मतलब ही पेमेंट भाई कैसे करेगा, कैश या बैंक से ही करेगा, है ना? पेड मतलब हो गया, कैश पेड ही है और क्या. ठीक है, तो पेड शब्द का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब है कैश गया आपका रियल अकाउंट. तो यहाँ पे दो अकाउंट आ गए, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोग बताइए क्या होता है. नॉमिनल अकाउंट का रूल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है और इनकम एंड गेन क्रेडिट होता है. इनकम एंड गेन क्रेडिट होता है, चलिए सही है. बाकी रियल अकाउंट का तो आप लोग बार बार पढ़ रहे हो, रियल अकाउंट का तो रूल सब लोग को क्लियर है ही. ठीक है, कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट. ठीक है, अब चलिए आप लोग जल्दी से बता दीजिए. अब सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझते ही हो, समझदार हो. जल्दी से बताओ, अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो खर्चा क्या हो रहा है? कई लोग मेरे को यहाँ पे, कई लोग मेरे से बोलते हैं सर ₹60,000 जा रहा है, यही बोलते हैं. ठीक है ना, कई लोग ऐसा बोलते हैं. लेकिन ₹60,000 जा रहा है, ₹60,000 तो कैश है और कैश तो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में बताना. अभी तो हम लोग ये पूछ रहे हैं ना नॉमिनल अकाउंट में बताओ खर्चा क्या है, खर्चे का नाम क्या है. देखो दिन भर में तो हम तो बहुत सारा पैसा देते हैं, हम टेम्पो से आते हैं, टेम्पो वाले को भाड़ा देते हैं, हम फिर इसके बाद कहीं जूस पीते हैं तो जूस का हम लोग पैसा दे रहे हैं, और हम लोग कहीं सपोज करो मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी का टिकट का हम पैसा दे रहे हैं. दिन भर में तो हम पैसा दिए जा रहे हैं, पैसा दिए जा रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा. क्या स्नैक्स का दिया, हाँ ठीक है एंटरटेनमेंट का दिया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, तो कुछ ना कुछ उसको नाम देना पड़ता है. इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, नाम हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता. ओके, सो हम लोग जब पक्का है सैलरी दे रहे हैं, ₹60,000 कैश जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो ₹60,000 जा रहा है किस नाम से जा रहा है, तो वो नाम क्या है सैलरी. तो एक्सपेंस एंड लॉस क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्सपेंस का नाम क्या है सैलरी. और जब हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो कुछ इनकम गेन कुछ हो रहा है, कुछ नहीं. ओके, तो कैंसिल हो गया, क्लियर. अब बताइए कम्स इन कुछ हो रहा है, जब सैलरी पेड कर रहे तो कुछ आ रहा है क्या, अगेन कैंसिल. गोज आउट कुछ हो रहा है क्या, कुछ जा रहा है, जी हाँ कैश जा रहा है ना. हालांकि आपको मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनकम टैक्स का एक थोड़ा सा जिक्र करता हूँ. इनकम टैक्स एक्ट है 40A की सबसेक्शन 3, उसका है
अब मैं फालतू में सेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं, आगे हम लोग इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। हालांकि तो उस सेक्शन में देखो क्या कहा गया है 40A की सबसेक्शन 3 में कि कोई भी पेमेंट अगर 10,000 रुपए से ज्यादा बिजनेस में कर रहे हो तो उसका पेमेंट हमेशा किससे किया करो, चेक से किया करो, है ना, चेक से किया करो या फिर ऑनलाइन मतलब पेमेंट किया करो, मतलब कैश पेमेंट अलाउड नहीं है 10,000 से ऊपर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर 60,000 रुपए लिखा है फिलहाल तो हम कैश अकाउंट लिख दे रहे हैं। आइदर जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे तो 10,000 रुपए से ज्यादा जहां होगा ना तुरंत हम लोग यहाँ पे कैश की जगह पे बैंक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यानी मेरे बैंक से पैसा जाएगा। तो खैर फिलहाल तो हम लोग को एंट्री मिल गई है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से 60,000 और कैश अकाउंट क्या होगा क्रेडिट कितने से अगेन 60,000। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ट्रांजेक्शन को हमने दो बार नोट किया है, ट्रांजेक्शन में जो दो इफेक्ट हो रहे थे हमने उन दोनों इफेक्ट को नोट किया है। और जो बार बार मैं ये अकाउंट के रूल्स जो लिख रहा हूँ ना ये लिखने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको रूल्स ब्रेन में सेट हो गए हैं तो। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये तो रहा हम लोगों ने गोल्डन रूल को अप्लाई किया। अब सवाल उठता है सर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस की एंट्री भी कराइए जो मॉडर्न रूल के ऊपर बेसिस हो, तो मॉडर्न रूल के बेस पे भी हम लोग कुछ एंट्रीज करना सीखेंगे। तो चलिए मैं उस पर भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए मॉडर्न रूल है क्या। तो मॉडर्न रूल याद होगा मैंने बताया था क्या, एक्सपेंस, सॉरी एसेट एंड एक्सपेंस के लिए तो एक ही रूल है, एसेट एंड एक्सपेंस के लिए। वो क्या रूल बताया था याद है, अगर इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है तो क्या करना, तो डेबिट करना, है ना, इंक्रीज मतलब दैट मींस प्लस। ओके, और अगर डिक्रीज हो रही हो तो क्या करना, तो क्रेडिट करना, दैट मींस माइनस। ठीक है, ये हो गया एसेट एक्सपेंस के लिए। और अगर हम बात करें किसके लिए, लायबिलिटी, एसेट का उल्टा क्या होता है लायबिलिटी, है ना, एंड कैपिटल एंड एक्सपेंस सॉरी इनकम। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, इन सब का नीचे भी एसेट का जस्ट उल्टा लायबिलिटी, एक्सपेंस का उल्टा जस्ट इनकम, तो जस्ट बात है रूल भी जस्ट उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे जा देख लेते हैं हम लोग, अगर इंक्रीज हो, सॉरी इंक्रीज पहले, डिक्रीज ही पहले कर लेते हैं, डिक्रीज होगा अगर आप इसे डेबिट करेंगे तो। बात समझे कि नहीं समझे, तो यहाँ पे डेबिट करोगे तो क्या होगा, हाँ, और इंक्रीज अगर क्रेडिट करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज दैट मींस प्लस होगा। ये अगर आपको रूल थोड़ा सा क्लियर है तो इस रूल के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं ना, देख ही लेते हैं कुछ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सेम ट्रांजेक्शन हम चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो दूसरा ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। तो मैं एक ट्रांजेक्शन ले ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैंने लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप परचेज ₹40,000, तो मैंने 40,000 का एक लैपटॉप खरीदा। तो अगर 40,000 का अगर लैपटॉप खरीदा तो बताइए इसमें ओके कौन सा अकाउंट है, लैपटॉप भी एसेट है और परचेज कर रहे 40,000, कहीं कुछ देना, तो इसका मतलब क्या है, लैपटॉप खरीद रहे होंगे तो क्या जाएगा मेरे पास से, कैश। यहाँ देखो लिखा नहीं है बट ये समझ लीजिए, लिखा नहीं है बट ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पे पैसा जा रहा है। कैसे सर समझ रहे, क्योंकि देखो अगर उधार लिखा होता तो हमने पार्टी का नाम लिखा होता कि हमने किससे उधार लिया है ताकि हमें याद रहे इस बंदे को देना है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा लैपटॉप परचेज लिखा है, कहीं किसी का पार्टी का नाम नहीं दिया, इसका मतलब ये हमने तुरंत नगद खरीदा होगा, खरीदा लैपटॉप खरीदा होगा, पैसा दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैपटॉप इज अ रियल अकाउंट एंड कैश इज ऑल्सो देयर, तो यहाँ पे वो भी रियल अकाउंट ही है, या दैट मीन्स एसेट अकाउंट है, घूम फिर के एसेट अकाउंट है। एसेट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, बताइए कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आना जाने के सेंस में नहीं पढ़ना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, जब हम लोग मॉडर्न रूल लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक सेंस लेते हैं क्या इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। जब हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है, लैपटॉप, दैट मीन्स हम इसको कंप्यूटर अकाउंट लिख सकते हैं,
कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 40. और क्या चीज जा रहा है? कैश. तो कैश अकाउंट जा रहा है शब्द नहीं यूज करना है, डिक्रीज क्या हो रहा है? मेरे पास कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो गया 40,000. इस तरीके से तुम लोग समझ सकते हो कि हम लोग मॉडर्न रूल भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर कहीं भी तुम्हें कभी गोल्डन रूल को अप्लाई करते समय कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप फटाक से इसको यूज करिए. ठीक है? ओके. अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. जैसे हमने रेंट पेड ही कर लिया, रेंट पेड हमने किराया दिया कितना रुपया, मान लीजिए 5,000 रुपीज. तो हमने 5,000 रेंट पे किया. अब बताइए रेंट पेड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा अकाउंट है. पहले तो ये तो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. रेंट इज एक्सपेंस, सो एक्सपेंस अकाउंट है. और कैश इज रियल, सो आपको पता है एसेट अकाउंट है. तो जरा देखिए यहाँ पे एक्सपेंस और रियल दोनों है, यानी एसेट और एक्सपेंस दोनों है. अब बताइए जब हम रेंट पेड कर रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? बोलिए जल्दी. अगर हम रेंट दे रहे हैं तो खर्चा मेरा बढ़ रहा है ना, तो खर्चा बढ़ रहा है. जब खर्चा बढ़ रहा है तो उससे डेबिट करिए. ठीक है? तो रेंट अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. कितने से? 5,000 से. 5,000. अब रेंट पेड करें, कैश क्या हो रहा है? कैश घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट. कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है. जब एसेट डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते, तो जो एसेट डिक्रीज हो रही है उसे क्रेडिट करिए. तो एसेट मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने क्या लिखा? कैश क्रेडिट. क्लियर है? इस तरीके से हम बहुत ही सिंपली तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसको. चलिए अभी तक हमने एसेट एक्सपेंस में ही उलझे रहे हैं. अब जरा एक लाइबिलिटी उठा लेते हैं. तो हम लोग लोन ले लेते हैं. लोन टेकन फ्रॉम यूबीआई, यूनियन बैंक से हमने लोन लिया कितना रुपया, सपोज करिए 4 लाख रुपीज. तो 4 लाख रुपीज हमने लोन लिया किससे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से. अब जल्दी से बताइए इसमें कौन कौन से अकाउंट है? पता है एक तो एसेट है, क्योंकि बैंक से लोन ले रहे हैं तो आ क्या रहा है? पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश तो एसेट हो गया. दूसरा नंबर हमने लोन लिया है, लोन इज अ लायबिलिटी अकाउंट. अब चलिए बताइए लोन अगर ले रहे हो, है ना, पहला तो कैश बताओ कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब लोन लोगे तो 4 लाख रुपए कैश तुम्हारे पास बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. सेट होता है, इंक्रीज है. बिल्कुल सही. तो कैश अब अपने बैंक में ही, चलो लेते हैं बैंक अकाउंट, मेरे बैंक में ही पैसा आएगा. बैंक कहाँ कैश देती है, तो मेरा बैंक में बढ़ेगा पैसा. कितना बढ़ेगा? 4 लाख. 4 लाख. अब बताइए लायबिलिटी यानी लोन, लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? जब हम लोन लेंगे तो लायबिलिटी मेरी बढ़ेगी कि घटेगी? लायबिलिटी बढ़ेगी डेफिनेटली. लायबिलिटी अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो क्या करना? क्रेडिट करना. यहाँ लोन फ्रॉम यूबीआई क्या होगा? क्रेडिट होगा. ओके, समझ में आया सब लोग को? यस सर. यस. तो बोथ जो दोनों ही रूल्स बहुत ही अच्छे हैं, बट मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो मुझे तो भाई मॉडर्न रूल ही ज्यादा पसंद आता है. क्योंकि कई बार ड्राइंग और कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जहां पे हो सकता है कि आप फंस जाओ किसमें, गोल्डन रूल में, तो आप मॉडर्न रूल अप्लाई कर लो. लेकिन मैं आप लोग को सजेशन दूंगा, ठीक है, आप गोल्डन, क्योंकि हम लोग भी स्टार्टिंग किए थे तो गोल्डन रूल से ही हम लोगों ने पढ़ाई किया है, वो तो मुझे अब समझ में आता है, अच्छा लगता है मॉडर्न रूल. बट आप लोग भी गोल्डन रूल को ही अप्लाई करो. जब कभी यहाँ पे फंसना, देन आप यहाँ पे मॉडर्न रूल अप्लाई करना. ठीक है? अभी दोनों रूल्स को साथ में मत लेके चलना, क्योंकि दोनों रूल को साथ में लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. और तो इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ गोल्डन रूल को ध्यान दो. और गोल्डन रूल सब लोग को पता है, गोल्डन रूल यही है, रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो, कम्स इन डेबिट करो, गोज आउट क्रेडिट करो, एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करो, इनकम एंड प्रॉफिट्स को क्रेडिट करो. तो आज हम लोग को बेसिक, आज हम लोग ने बेसिकली ये स्टडी कर लिया कैसे रूल्स को अप्लाई. कल से हम लोग ये इलस्ट्रेशन करेंगे. ओके, कल से इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे. कुछ एग्जांपल्स जो होंगे इनको हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है? तो आज तो मैं यही, मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसको पहले स्टडी करिए बढ़िया से, है ना. गोल्डन रूल को इन ट्रांजेक्शन पे अप्लाई करके देखिए. ध्यान रहे आप लोग का जो नोट्स है मैं अपडेट करता चला जा रहा हूँ.
तो आप लोग अपना नोट्स वहां से देख सकते हो। आप लोग को जो मैंने लिंक भेजा था उसी लिंक में ये सारा नोट्स अवेलेबल है जो मैं हर दिन टाइप करता हूँ, ठीक है, और मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ। किसी ने चेक किया था कि नहीं किया था? मैंने किया था। ठीक है रितिका, मिल गया था तुम्हें नोट्स? यस सर। चलो अच्छा ठीक है, यही है नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, अगर वही सबसे अच्छी चीज है। बाकी आप लोग बुक में भी है, बुक में भी दिया हुआ है, बुक के भी कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। आप लोग को अभी गोल्डन रूल्स पे काफी ध्यान देना है, जिस तरह से आपको अपना अपना नाम याद है ना, जैसे आपसे मैं पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो समीक्षा या फिर मेरे से पूछा था मेरा नाम क्या, मैं तुरंत बोलता हूँ दीपक, मुझे सोचना नहीं पड़ता, मुझे अब अपना अपना नाम भी कहीं सोचना पड़ेगा जी, नहीं ना? तो वैसे ही आपको गोल्डन रूल भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है? गोल्डन रूल भी दिमाग में ऐसे ही सेट हो जाना चाहिए। कोई पूछा व्हाट इज रियल अकाउंट का रूल, गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट, तुरंत बोलना है क्या, कम्स एंड डेबिट गोज आउट क्रेडिट, सोचना ना पड़े, वैसे ही हमें अपने ब्रेन में सेट कर लेना इसको, ठीक है? तो अकाउंटिंग का ये नोट्स मैंने शेयर किया था, जिसको भी चाहिए होगा जीमेल आईडी मेरे को